अरे हाय हाय प्रियंका, तो कितना लेट कर दिए, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। ट्रैफिक में टाइम लग गया। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो आओ आओ। लो पहले सैनिटाइज कर लो थोड़ा। थैंक यू, जरूरी है आजकल। हाँ सही बात है, आने में कोई तकलीफ नहीं हुई ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसेंट एंजल ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आई हूँ, तो चलिए मिलते हैं। कौन है नया? तो ये है प्रियंका और अनन्या, संबलपुर पे वन ऑफ द नोन मेहंदी आर्टिस्ट। तो आज मैं इन लोगों से मेहंदी लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इनका मेहंदी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों का, और लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो थीम वाला होता है वो वही लगाती हैं। तो आज उनका डिज़ाइन आप भी देखिए, अगर आपको उनका डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग मेहंदी के ऊपर है, तो लेट्स स्टार्ट। ये मार्केट वाला मेहंदी है? नहीं, एक्चुअली ये आपका हर्बल मेहंदी है जिसको हम लोग घर पे बनाते हैं। ये आपका स्किन फ्रेंडली है, प्लस हर्बल है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा। आपको ऑर्डर देना हो तो मेरे को। आप कितने टाइम पे ये बना के दे सकते हो अगर कोई ऑर्डर करे तो? अच्छा, 1 आवर पे भी रेडी हो जाएगा। तुम कौन कौन सा डिज़ाइन लगाने में प्रिफर करती हो, या तुम्हें कंफर्टेबल रहता है डिज़ाइन? कंफर्टेबल तो सब डिज़ाइन में रहता है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, थीम वाइज लगता है। अच्छा। जैसे किसी का एंगेजमेंट है, जो होस्ट है स्पेशली उनके हाथ में पोर्ट्रेट लगता है। अच्छा। डिजाइनर्स जो रहते हैं उनके लिए सिंपल रहता है, इंडो अरेबिक रहता है, जैसा डिज़ाइन जैसा मतलब क्लाइंट को जैसा चाहिए वैसा लग जाता है। अच्छा। कोई सा भी डिज़ाइन आप इंटरनेट पर चेक कीजिए। होस्ट और गेस्ट, उनका डिज़ाइन अलग रहता है या फिर कैसे? अलग अलग रहता है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो होस्ट रहता है उसका थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए। सही बात। और जो साइडर्स लेते हैं उनका इतना टाइम नहीं लग रहता है हमारे पास, तो इतना टाइम टेकिंग ना हो बोल के। होस्ट के लिए तुम्हें कितना टाइम लगता है फिर भी? मिनिमम 2 to 3 hours लगता है। अच्छा। एंड बाकी लोगों के लिए 45 minutes। ठीक है। ये मेहंदी को हम लोग कितना दिन स्टोर कर सकते हैं और इसका कलर कैसा आता है? मेहंदी आप 1 week तक स्टोर कर सकते हैं, इसको फ्रीज कर दीजिए। अच्छा। और इसका कलर आप 24 hours में, इसका एक्चुअली 2 बार कलर आता है, जो 12 hour स्टेन रहता है और फाइनल स्टेन आपको 24 hours में मिलेगा। अच्छा। और आपका कलर भी 8 days to 8 days plus रहेगा। अच्छा ठीक है, डार्क होता है ना पूरा? बहुत डार्क। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी लगा चुकी हूँ तुमसे, तो मुझे बहुत ही तुम्हारा ही डिज़ाइन मुझे पसंद आया, तो चलो अपने व्यूवर्स को भी यही दिखाएंगे आज। थैंक यू। आप ट्रेनिंग भी देती हो मेहंदी का? हाँ, मेहंदी का क्लासेस भी होता है। अभी लॉकडाउन पे तो ऐसा सिचुएशन रहा है कि ऑर्डर सुविधा नहीं रहता है, बट ऑनलाइन क्लासेस चलता है और काफ़ी बच्चे आते भी हैं घर पे। तो कितना टाइमिंग कैसा, कितना आवर? टाइमिंग रहता है 2 बैच चलता है, मॉर्निंग बैच पे 9 to 10। अच्छा। 10-11 AM चलता है, एंड सेकेंड बैच आपका इवनिंग में 4 o'clock से लेके 5 तक ऑनलाइन क्लासेस चलता है वो। आप दोनों साथ में रहते हो हमेशा? दैट मीन्स जब चाहिए होता है। अच्छा, जब जरूरत पड़े। सही बात है। ऑल द टाइम तो नहीं, बट कभी फंक्शन वंक्शन में तो मतलब जहाँ भीड़ रहता होगा तो पक्का दोनों साथ ही जाते रहे। हमारा ग्रुप भी है, बहुत सारे हैं। अच्छा, अच्छा। जिनको हम लोग साथ में लेके करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो मेहंदी लगाने जैसे झारसुगुड़ा बरगढ़? हाँ, बरगढ़ झारसुगुड़ा तक जाऊँगी।
चार्ज तो वही उनके साथ ऐड करोगे फिर? नहीं, उसमें फिर पैकेज आ जाता है। अच्छा, फंक्शन के लिए जितना भी हम लोग बुकिंग लेते हैं उसमें हम लोग पैकेज का सिस्टम रख दिए हैं। अब से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है पोर्ट्रेट। ठीक है, आपको पोर्ट्रेट अच्छा लगता है? हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तुम तो पहली बार भी मुझे पोर्ट्रेट ही लगा के दी थी ना। हाँ हाँ, तब वेडिंग था तो वेडिंग से रिलेटेड। आज का जो डिज़ाइन है ये हम लोग पोर्ट्रेट जो बना रहे हैं करवा चौथ के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि कमिंग फेस्टिवल करवा चौथ आ रहा है, तो इसीलिए। जिसको लगाना है मेहंदी करवा चौथ पे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन पे मैं इनका डिटेल दे दूंगी, आप इनसे कांटेक्ट करिएगा और अपने करवा चौथ को बहुत ही स्पेशल बनाइएगा। हाँ, एक्चुअली मेहंदी के बिना तो करवा चौथ अधूरा है। ऑलवेज। यहाँ पे हम लोग एक लेडी बनाने जा रहे हैं। ओके। फास्टिंग की हुई है करवा चौथ अपने हस्बैंड के लिए। मतलब हम इमेजिन भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हम आपके पिछले मतलब ब्लॉग पे देखा था आपके वेडिंग साड़ीज, बहुत अच्छा था। थैंक यू, वेरी नाइस। दैट वाज 2011 का कलेक्शन है। 11 कलेक्शन राइट, हैवी पे वही ली। हाँ, एंड आपका एक पिक भी देखी थी मैं, शायद आपका शादी वेडिंग वाला फोटो रिलेटेड था, उसमें आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। अच्छा प्रियंका, तुम जो ये सेटिंग की हो इसका कलर कैसा आएगा? ये एक्चुअली आपका जो डार्क पेज है इसके साथ ये लाइट होगा तो इसका कॉम्बिनेशन अच्छा आता है। अच्छा। ये थोड़ा लाइट कलर आएगा बट इसके साथ अच्छा लगेगा ये। अच्छा प्रियंका, ये डिज़ाइन कौन से कैटेगरी में आता है? ये आपका डिज़ाइनर मेहंदी के कैटेगरी पे आता है, एंड ये आपका थीम वाइज है, करवा चौथ से रिलेटेड है, इसीलिए पोर्ट्रेट है इसमें। और इससे सिंपल भी रहता है, नॉर्मल अरेबिक रहता है, इंडो अरेबिक रहता है, एंड डिज़ाइनर मेहंदी कह सकते हो, काइंड ऑफ यूनिक है। हाँ यूनिक है, पोर्ट्रेट के साथ तो यूनिक है, बाकी फ्लावर पैटर्न में भी आपको बहुत डिफरेंट वैरायटीज मिल सकता है। अच्छा। पहले का जैसे मतलब नॉर्मली केरी फ्लावर्स रहता था। हाँ। उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। तुम्हारा ब्राइडल चार्जेस क्या रहता है? ब्राइडल का अभी 5K प्लस। अच्छा 5000 है। एंड अच्छा, एंगेजमेंट है या एनिवर्सरी है उसका 2500 समथिंग। अच्छा, अच्छा। और ग्रूम का 2100 तक रहता है, और नॉर्मली डिज़ाइंस के हिसाब से चार्जेस रहता है। अच्छा प्रियंका, एक बात, इतना बारीक डिज़ाइन तुम कैसे कर लेती हो? ये आपका नॉर्मल मेहंदी पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत स्टफ्स रहते हैं जिसमें नहीं कर पाओगे फ्रीली। ये एक्चुअली हमारा मेहंदी का क्रेडिट जाता है, ये ट्रिपल रिफाइंड मेहंदी है। अच्छा, हर्बल मेहंदी है। हाँ, तो इस वजह से इसमें बिल्कुल आप जितना भी बारीक चाहेंगे कर सकते हैं। इसमें इसका पूरा अलग ही लुक रहता है, जैसे आप मेरे डिज़ाइन में देख सकते हैं, डार्क पेज अलग से दिखता है, पूरा उभर के आता है। करेक्ट, मेरे हाथ में जब भी देखो मेहंदी पक्का रहता है। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कमेंट करते हैं तो जब भी देखो मेहंदी लगाई रहती है, लाइक मारवाड़ी। एक्चुअली आपको ये मेहंदी तो आपको एक बार लगा चुकी हूँ, स्टिल फिर भी देखना इसका कलर के लिए ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एक बार जो कलर आता है। मैं पक्का इसका वीडियो अपना हाथ धोने के बाद भी मैं बनाऊँगी और अपलोड करूँगी वीडियो पे। क्या देते हैं मेहंदी पे नींबू? मेहंदी पे नींबू लगाना एक तरह से आप कंपलसरी सोच सकते हैं, इसमें लगाने से ये कलर को और एनहेंस करने में काम आता है। हेल्प करता है। हाँ। कितने टाइम देना पड़ेगा ये? आप दो बार दे सकते हैं
और वो ड्राई होने के बाद आप मस्टर्ड ऑयल या फिर अच्छा घी जो घर पे रहता है, अच्छा देसी घी इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे ही कॉटन से लेके डैब डैब कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद निकालेंगे मेहंदी। उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आप, अच्छा। आप खोल सकते हैं इसको। हे फ्रेंड्स, देखिए मेरा मेहंदी लगाना कंप्लीट हो गया है। देखिए अगर आपको भी लगाना है इसी तरह से, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।